चिट्ठी बहन, घर में शक्कर खत्म हो गई है क्या? नहीं भाभी, भंडार घर में तो है। मीठी बहन, आप प्लीज शक्कर ले आएंगी? राशि, दियो में तेल लगभग खत्म होने चला है, और तेल मंगवा लेना। अने हाँ, खीर तुम ही बनाओगी। देख लेना खीर के लिए सारी सामग्रियां हैं या नहीं। यदि किसी भी सामग्री की जरूरत है तो मंगवा लेना। जी। और अभी काम शुरू कर दो, और ये काम तुम्हें स्वयं अकेले करना है। मैं नहीं चाहती हूं कि इसमें किसी की भी कोई भी दखलंदाजी हो, समझी गई? राशि, मैं बाहर बैठकर सब्जी काट रही हूं, यदि किसी भी चीज की आवश्यकता है तो मुझे बताना। मैं 3 किलो घी मंगा लेती हूँ और 5 लीटर दूध। दूध तो दूध। अब खीर में क्या क्या डालना है? इसमें देखिए, ठीक है। अरे, मैं ड्राई फ्रूट्स तो भूल ही गई, लेकिन वो घर में और दिए के लिए तेल भी बोल रहे। हेलो, बंसीलाल जनरल स्टोर्स जी, मैं मोदी भवन से बोल रही हूँ, आप जरा सामान लिख लेंगे? घी 3 किलो, सबसे सस्ता है। राशि बहन को मना कर दो क्या? और दूध 3 लीटर, और हाँ, दिए के लिए तेल चाहिए 5 लीटर। नहीं नहीं, वो तो सबसे सस्ता वाला, खाना थोड़ी है। ठीक है राशि, सारी सामग्री मंगवा ली? जी। सारू आऊ छू। गोपी भाभी, ये लीजिए शक्कर। मीठी बहन, आप ये चाय बना लीजिए ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जी भाभी। गोपी भाभी, आपको कुछ चाहिए? चाय, दूध या जूस? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस थोड़ा आराम कर लूँ। राशि भाभी, आप जरा ये चाय बना लेंगी? वो मुझे स्त्री वाले के लिए कपड़े निकालने हैं। हाँ राशि भाभी, चाय में थोड़ी अदरक काट के डाल दीजिएगा। वैसे ये चाय किसके लिए बन रही है? बा के लिए। अच्छा, चल। राशि, क्या हुआ? हे भगवान,
इससे थोड़ी देर के लिए खून रुक जाएगा। देखो तो कैसा घाव हो गया है। एक मिनट, मैं बैंडेड लेकर आती हूँ इस घाव पर लगाने के लिए। तुम यहाँ बैठो, आओ यहाँ बैठो, इसे ऐसे पकड़ के रखना, ठीक है? बैठो, मैं बैंडेड लेकर आती हूँ, हिलना नहीं यहाँ से, ठीक है? काकी जी, काकी जी कुछ ढूंढ रही है? हाँ बेटा, वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ रही थी, मुझे उसमें से बैंडेड चाहिए। बैंडेड पर क्यों काकी जी? वो राशि की उंगली कट गई है, खून नहीं रुक रहा है। काकी जी, राशि बहन कहाँ है? रसोड़े में। रुको गोपी बाऊ, मीठी। जी नानी भाभी। ये स्त्री के कपड़े हैं, स्त्री वाला आता ही होगा। आंगन में और भी सूखे हुए कपड़े लेकर आ जाओ। जी। तुम अपनी सजा भूल गई गोपी? वो क्या कहा था मैंने, तुम और राशि एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करोगी। पर माँ जी वो। बस गोपी वो, आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। अब क्या हुआ, कल तो तुम दोनों एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहती थी। यदि तुम्हारे पास बैंडेड है तो मोटा भाभी को दे दो, मोटा भाभी राशि को बैंडेड लगा देगी। जी काकी जी, यहाँ भी लेकर आई।